शिवसेना पार्टी का असली मालिक कौन होगा, अब ये चुनाव आयोग निर्धारित करेगा। इस बीच उद्धव ठाकरे का खेमा, जो पहले ही कह चुका है कि वो चुनाव आयोग के सामने अपना मामला मजबूती से पेश करेगा, प्लान बी के साथ भी तैयार है। यदि उसे प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे समूह के आगे अपना धनुष बाण का चिन्ह खोना पड़ता है या चुनाव आयोग इसे फ्रीज करता है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ फैसला करता है तो पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। अगर पार्टी को आगामी बीएमसी चुनाव नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना है तो प्लान बी उस स्थिति के लिए तैयार है। उनकी योजना में बड़े पैमाने पर मतदाता पहुंच और सोशल मीडिया कार्यक्रम शिवसेना के इतिहास को याद दिलाने और दिवंगत पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के लोकप्रिय भाषणों पर एक वापसी शामिल है। पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को नए चुनाव चिन्ह के बारे में जागरूक करने के लिए शाखाओं और विभागों से हमारी मतदान मशीनरी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी और अथक प्रयास करेगी। जैसा कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिक बीएमसी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ इसे अपने चुनाव के रूप में लड़ेंगे। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिंदे खेमे के सदस्य असली शिवसेना और चुनावी प्रतीक के सच्चे दावेदार होने का दावा करते हैं। पदाधिकारी ने कहा कि प्लान बी में पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों को मतदाताओं तक ले जाने के लिए बूथ स्तर के कैडर को सक्रिय करने की व्यापक रणनीति भी शामिल है। ठाकरे पहले ही पार्टी को मजबूत करने के लिए शाखा और विभाग प्रमुखों से बातचीत बढ़ा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेता ने कहा कि शिव सैनिक पार्टी सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे द्वारा मुंबई वासियों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को याद करेंगे और पार्टी ने सभी संकटों में उनकी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो बाढ़, सांप्रदायिक दंगे, सीरियल बम विस्फोट और आतंकवादी हमले हों। संदेश यह होगा कि पार्टी इस संकट का भी सामना करेगी और मतदाताओं से इसके साथ रहने का आग्रह भी किया जाएगा। इसके अलावा ठाकरे खेमा नए चुनाव चिन्हों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए आक्रामक ऑनलाइन ऑफलाइन अभियान शुरू करेगा। इसने अपने सोशल मीडिया अभियानों को चलाने के लिए पहले से ही एक समर्पित टीम बनाई है। पार्टी के अन्य नेता ने ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि विचार मतदाताओं को समझाने के लिए है कि ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट वास्तविक है, जबकि अन्य ने सत्ता के लिए विश्वासघात किया है। खेमे ने मुख्यमंत्री शिंदे और विशेष रूप से भाजपा से मुकाबला करने के लिए मराठी मानुष और हिंदुत्व कार्ड को आक्रामक रूप खेलने का प्रस्ताव रखा है, ताकि बाला साहेब ठाकरे के भाषण को सोशल मीडिया पर वायरल करके अपनी बात घर घर तक पहुंचाई जा सके। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए अभी भी रास्ते आसान नहीं है, क्योंकि नए चुनाव चिन्ह के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरना और जब विरोधी दल पूरी रणनीति के साथ पहले से ही तैयार बैठा हो, और यही कारण है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने पूरी रणनीति तो तैयार कर ली, लेकिन इस रणनीति पर उद्धव ठाकरे को कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से प्लान बी तैयार कर लिया उसके हिसाब से एक चीज़ तो साफ होगी कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर के काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी मजबूती के पीछे अभी चुनाव आयोग का फैसला भी है कि उस फैसले के बाद आखिर उद्धव ठाकरे कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे, खासकर आम जनता के बीच अपनी पकड़ को कितना ज़्यादा स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि उनका विरोधी दल पहले से ही अपने पूरे प्लान के साथ पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे इस पूरी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।